मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि महंगाई खत्म हो गई है। आइए जानते हैं कि महंगाई कहां तक खत्म हुई है। पेट्रोल जो कल तक 74 रुपए का था, आज 106 रुपया है। सिलेंडर जो 850 रुपए का मिला करता था, आज 1102 रुपए में मिल रहा है। टमाटर जो कल तक 30 रुपया था, आज वो 100 रुपया किलो है। फिर भी नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि महंगाई खत्म हो गई है। जब सकारात्मक सोच, सही नियत, पूर्ण निष्ठा के साथ निर्णय होते हैं तो पूरा वातावरण सकारात्मकता से भर जाता है। अमृतकाल के पहले वर्ष में ही दो बहुत बड़ी सकारात्मक खबरें आई हैं। ये खबरें देश में कम होती गरीबी और बढ़ती समृद्धि का परिचय देती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 5 साल के भीतर ही भारत में 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष फाइल होने वाली इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या भी दूसरा महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। पिछले 9 वर्षों में लोगों की औसतन आय में भारी बढ़ोतरी हुई है। आईटीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में जो औसत आय, एवरेज इनकम, करीब 4 लाख रुपए थी, वो 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई है। भारत में लोअर इनकम ग्रुप से अपर इनकम ग्रुप में, लोअर इनकम से अपर इनकम ग्रुप में जाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। ये आंकड़े उत्साह बढ़ाने के साथ साथ इस बात का यकीन भी दिलाते हैं कि देश के हर सेक्टर को मजबूती मिल रही है और रोजगार के अनेक नए अवसर बढ़ते ही चले जा रहे हैं।